वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी आज का हमारा टॉपिक है ऑडियोग्राम एंड हाउ इज हियरिंग लॉस मेयर पिछली वीडियो में हमने हियरिंग एम्पेयरमेंट को डिफाइन किया था कान के हिस्सों की बात की थी एक्सटर्नल हीयर आउटर ईयर मिडल ईयर और इंटरनल ईयर उनमें मुख्तलि पार्ट्स फिर हीरिंग प्रोसेस क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था और उसके बाद हमने नकायस समात के नकायस उनकी किस्में जैसे कंडक्टिव हीरिंग लॉस, सेंसी हीसेंसील हर ग्लास मिक्सड लॉस, कंजेनेटल कंजैनटल लॉस एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस, प्रीलिंगुअल लिंग लॉस, पोस्टलिंगुअल पोस्ट लॉस इनकी हमने बात की थी आज हम देखेंगे कि किसी बच्चे का या किसी आदमी का हीरिंग मापा कैसे जाता है उसकी पैमाइश किसे कैसे की जाती है और पैमाइश करने के बाद उसको ऑडियोग्राम के ऊपर कैसे कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जी सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑडियोग्राम ऑडियोग्राम होता क्या है ऑडियोग्राम इज अ ग्राफ दैट शोज द रिजल्ट ऑफ ए हियरिंग टेस्ट जो भी हम किसी गंदे का हीरिंग की फैमायश कर रहे होते हैं उसके टेस्ट के जो रिजल्ट हैं उनको हम रिफ्लेक्ट करने के लिए एक ग्राफ इस्तेमाल करते हैं उस ग्राफ को हम कहते हैं वो हमें बत, बताता है हाउ वेल यू हियर साउंड इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी यानी कि उस ग्राम के उस ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस उसके ऊपर जो है हम जो वाई एक्सेस है उसके ऊपर इंटेंसिटी uh, और जो एक्स एक्सेस है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी uh, उसको हम ज़ाहिर करते हैं डिटेल में हम अभी अभी जाते हैं कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है इंटेंसिटी क्या होती है पहले साउंड होती क्या है क्योंकि हम पैमाइ साउंड की कर रहे हैं ना तो हमें साउंड की कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल वाजे होना चाहिए साउंड क्या होती है साउंड इज़ ए परसेप्शन ऑफ प्रेशर वेव्स जनरेटेड बाई वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स। जब भी कोई आवाज़ पैदा होती है तो उससे लहरें पैदा होती हैं जैसे पानी में पत्थर फेंका जाए ये आप देख रहे हैं पानी में पत्थर फेंका जाए तो चारों तरफ उसकी लहरें निकलती हैं इसी तरीके से जब कोई साउंड पैदा होती है ये साउंड की सोर्स है तो फिर चारों तरफ उसकी लहरें जो है ना साउंड की जो है वो पैदा होती हैं और ये जो लहरें हैं वो करीब जो तरीन जो लिसनर है सुनने वाला है उसके कानों के पर्दों को जाके टकराती हैं सो साउंड इज अ परसेप्शन ऑफ प्रेशर वेव्स साउंड इज अ प्रेशर परसेप्शन ऑफ प्रेशर वेव्स जो सिंपल uh, सबसे सादा तरीन साउंड uh, है उसको हम प्योर टोन कहते हैं और उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है इस वेव जैसे हमने पहले बताया वेव नुमा लहर नुमा तो साउंड uh, जो है ना वो पैदा होती हैं लहरें पैदा होती हैं और इसको आगे जाके हम ज़्यादा तफसील से बात करेंगे फिलहाल इब्तदाई लमहत में हम ये बताते हैं कि ये इसकी जो ऊँचाई है ये लहर की ऊँचाई ये लाउडनेस को या एम्पलीट्यूड को ये, ये जाहिर करेगी और ये जो या नीचे है ये कितने साइकल्स में आते हैं ये फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करेगी फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है और ये लाउडनेस या इंटेंसिटी क्या है इसकी है हम बात करते हैं जी आगे चल के जो साउंड sound है साउंड्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ खुशियात हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो के ये है नंबर वन फ्रीक्वेंसी और पिच नंबर टू इंटेंसिटी और लाउडनेस नंबर थ्री टिम्बर टेंपर और क्वालिटी या क्वालिटी फ्रीक्वेंसी और पिच इसमें जो है आमतौर पे स्टूडेंट्स मिक्स करते हैं कि ये शायद एक ही चीज होती है जरा देखते हैं इसमें क्या फर्क है फ्रीक्वेंसी इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड एंड इज मेजर्ड बाय हर्ट्स जबकि पिच इट इज ए सब्जेक्टिव सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पहली जो चीज है फ्रीक्वेंसी वो मेजरेबल है वो क्वांटिटेटिव टर्म है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड है और इसको मापने का पैमाना हर्ट्स है जबकि पिच एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है जो फ्रीक्वेंसी की आ, 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 के साथ इसका पॉजिटिव कोरिलेशन है यानी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी इनका आपस आ, में स्टेटिस्टिकल टर्म कह सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है एक क्वांटिटेटिव है दूसरी क्वालिटेटिव है इसी तरीके से इंटेंसिटी और लाउडनेस इनको भी देख लेते हैं इंटेंसिटी इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ साउंड विच डिटर्म इट्स लाउडनेस एंड इज मेजर्ड इन डेसिबल जबकि लाउडनेस इट इज़ ए सब्जेक्टिव सेंसेशन प्रोड्यूस बाई इंटेंसिटी वही पिछले जो हमने देखा उसमें फ्रीक्वेंसी और पिच का आपस में तलक तकरीबन वही तलक या इंटेंसिटी और लाउडनेस था यहाँ भी आप जब आप ग्राफ मुख्तलिफ देखेंगे या बनाएंगे तो उसमें आप नोट करेंगे जिस एक्सेस के ऊपर इंटेंसिटी लिखा हुआ आगे ब्रैकेट में लाउडनेस लिखा होता है कि कई जगह पर और इसी तरह का जब जो है ना वो जहाँ फ्रिक्वेंसी लिखा होता है एक्स एक्सेस पे ब्रैकेट में पिच लिखा होता है सो बज़ाहिर वो इसको अल्टरनेटिवली यूज़ कर रहे होती हैं लेकिन ये इनमें फ़र्क है और इंटेंसटी मेयरेबल है और उसको मेजर करने का पैमाना डेसीबल्स है जबकि लाउडनेस फिर एक सब्जेक्टिव टर्म है और एक सेंसेशन है जो इंटेंसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है और एज इन द केस विद विद फ्रिक्वेंसी एंड पिच सो इंटेंसिटी और लाउडनेस का भी आपस में पॉजिटिव कोल रिलेशनशिप है इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब यह है चीज़ ज्यादा ऊँची है और इंटेंसिटी कम होने का मतलब है वो उसकी लाउडनेस कम है अब अगली जो प्रॉपर्टी है साउंड की वो है टेम्बरे इसको क्वालिटी टेम्बरे या क्वालिटी क्वालिटी ऑफ साउंड डिस्क्राइब दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच अलाउ द ईयर टू डिस्टिंग्विश व्हिच आर द सेम पिच एंड लाउडनेस अब इसका फर्क वाज करने के लिए जरूरी है थोड़ी सी तो कुछ साउंडस की पिच और लाउडनेस सेम हो सकती है लेकिन वो बारीकबीनी से देखे जाए तो सेम नहीं होएंगी मुमकिन है उनमें क्वालिटी और टिम्बर का फर्क हो जिसकी वजह से वो उनमें वो एक डिफरेंट चीज़ आपको नजर आएगी अगर गौर से आप देखें तो ये सुनाई देगी इसकी आगे, आगे आपको मजीद एक्सप्लेनेशन भी आ रही है अब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको इसमें दी गई हैं और आप नोट करें ये ये पहली जो है ये है इसको इंटेंसिटी या लाउडनेस को बता रही है ये जैसे मैंने बिल्कुल पहली वाली स्लाइड में बताया था कि ऊंचाई इस लहर की ऊंचाई साउंड की लहर की ऊंचाई बताएगी कि ये लाउड ज्यादा है या कम है ये ज्यादा लाउड है नजर आ रहा है ये कम लाउड है ये सॉफ्ट आवाज, आवाज है इसकी ऊंचाई कम है इसकी ऊंचाई ज्यादा है सो ये लहरों की ऊंचाई इंडिकेशन है कि इसकी साउंड की लाउडनेस ज्यादा है इंटेंसिटी ज्यादा है आप इसके नंबर दो के ऊपर आ जाते हैं इसमें जो है फ्रीक्वेंसी या पिच का जिक्र किया गया है और उसको डिस्प्ले किया गया है, उसको बताया गया जैसे कि पहले स्लाइडों में बताया था कि फ्रीक्वेंसी या पिच नंबर ऑफ साइकिल्स है पर सेकंड सो ये देखें ये साइकिल इसमें कम साइकिल्स हैं नजर आ रहे हैं कम साइकिल बजाय और दूसरी वाली जो है ये इसमें साइकिल ज़्यादा हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो आप देख सकती हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी कम है इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और तीसरी जो क्वालिटी बताई थी जो उसकी प्रॉपर्टी बताई थी उसकी साउंड की वो थी या जो क्वालिटी के हवाले से ये दोनों सेम भी हों तो क्वालिटी के हवाले से एक साउंड सिंपल हो सकती है ये देख रहे हैं जिसमें है सिंपल है इसमें आप कंपे देख रहे हैं इनमें सो ये तीन जो है ना हमने बड़ी क्वालिटीज है, है हमने समो दी एक ही स्लाइड में और डिस्प्ले भी कर दी कि फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी uh, और क्वालिटी इनका आपस में ताल्लक क्या और फ़र्क क्या है ये ए, लिखा हुआ भी साथ आ गया इंटेंसिटी ये शो कर रही है ये फ्रीक्वेंसी शो कर रही है ये क्वालिटी शो कर रही है ये ये दोनों इसी तरीके से ये कपल ये कपल ये इंटेंसिटी शो कर रहा है ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है ये क्वालिटी रहा है सा और एक्सप्लेन कर दें इस स्लाइड में और फिर उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे साउंड की मेजरमेंट की तरफ अब आप देखिएगा ये सारे में आपको डिस्प्ले कर देता हूँ ये सामने आगे आके ये है जी ए ए साउंड है जी इसकी वे वे वेव देख देख आप और पहले बताया था ये एम्पलीट्यूड को शो कर रही है और ये वाला हिस्सा ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है ये ए इज द रिकॉर्ड ऑफ प्योर टोन क्योंकि इसमें रेगुलरिटी है सिमिलरिटी है इनमें तो ये एक प्योर टोन की साउंड की किस्म है जो डिस्प्ले साधा बी दिस वन इज बी बी हैज ए ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड इज लाउडर देन ए आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई कम है इसकी ऊंचाई ज्यादा है सो so, अब uh, बिल्कुल आम uh, फैम जुबान में इसके लिए कोई uh, फिजिक्स का क्वालिफाइड uh, uh, होना ज़रूरी नहीं है आम एक आम आर्ट और आर, आर्ट्स पढ़ा हुआ बंदा सादा जुबान में समझ सकता है और सादा जुबान में समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये इसकी बी एज ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड इज़ लाउडर आवाज़ इससे ये आवाज़ ज़्यादा लाउड होगी और फिर सी दिस इज सी C एज द सेम एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड बराबर है यानी कि इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं है, आँख से भी नजर आ रही है मापे बगैर कि बराबर है C एज द सेम एम्पलीट्यूड एज ए बट ग्रेट ग्रेटर फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है इसमें आप देख रहे हैं। सादा आंख से देखी जा सकती है ममा मापने की भी जरूरत नहीं है सो डी इज कॉम्प्लेक्स वेव ये इस तरह की पेटोन की तरह सादा वेव नहीं है जी ये कॉम्प्लेक्स वेव है आप दे, देख रहे हैं। और ई हैज नो रेगुलर पैटर्न एंड प्रिस एज नाइज इसको हम कहेंगे ये ये बेहंगम किस्म का शोर है ये बेहंगम किस्म के शोर में ऐसे जो है ना वेव्स की शक्ल बने बनेगी आई uh, होप अभी ये फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंस, इंटेंसिटी क्वालिटी साउंड के हवाले से इसका कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है अभी हम बढ़ते हैं आगे कि हाउ सेंसिटिव द ईयर टू साउंड अब हम साउंड और ह्यूमन बीइंग इनका आपस में तालक देखते हैं ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव टू साउंड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज 20 से लेके बीस हज़ार हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसीज जो है ना को वो कान सेंसिटिव है और एम्पलीट्यूड भी आप ये देख लेंगे पॉइंट जीरो 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 टू से ले कर टू हंड्रेड डाइन सेंटीमीटर ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रही है फिजिक्स हो रही है और फिर द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन टू साउंड आकरें टेन पर सेकेंड इन टाइम ये थोड़ा सा फिजिक्स uh, 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 की टर्म्स आ गई हैं छोड़ दें इसको प्री ऑफ ऑडियोमीट्री अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं इस वीडियो के जिसमें पहले हमने कहा साउंड होती क्या है उसकी पहचान क्या है उसकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ क्या है अब साउंड को मापा कैसे जाता है और उसको मापने के लिए साइडफेक्ट तरीके से मापने के लिए कम अज़ कम तीन चीज़ों की ज़रूरत है ये एक ऑडियोमीट्री रूम होना चाहिए एक कमरा होना चाहिए जैसे जो साउंड प्रूफ हो और जहाँ पे दी बाहर की आवाज़ें हमें अफेक्ट ना करें जब हम वो पर्टिकुलर आवाज़ को माप रहे हों दूसरा ऑडियोमीटर हो जो एक ऑडियोमीटर वो पैमाना होता है जिससे हम साउंड को मापते हैं उसको मैर करते हैं और ऑडियोलॉजिस्ट ऑबियसली वो जो मैन बिहाइंड द गान जो बंदा जो है ऑडियोमीटर को चला रहा होता है और एक्चुअली वो ऑपरेशन कर रहा होता है वो ऑडियोलॉजिस्ट सो ऑडियोमीटर होना चाहिए ऑडियोमीटरी होनी चाहिए कमरा होना चाहिए और ऑडियोलॉजिस्ट होना चाहिए अब एक, एक आजकल तो किस्में आ गई ऑडियोमीटर्स की सिर्फ आपको एक मॉडल यहाँ दिखाया गया ये ऑडियोमीटर है और इसमें ये बड़ी नॉब्स तो दो हैं ये दो बड़ी नॉब्स हैं और इनसे हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी या वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं और उसके बाद फिर जो है हम उसका एक प्रोसीजर है जो आगे हम जिक्र करने जा रहे हैं उसके ज़रिए हम साउंड को मापते हैं प्रोसीजर क्या है आप हाँ, प्रोसीजर जरा बड़े धीरे धीरे आराम आराम से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके लिए कुछ स्पेशलिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट होना ज़रूरी नहीं है कोई भी बंदा इसको सीखने के बाद ये प्रोसीजर कर सकता है जिसकी आस द सब्जेक्ट टू तो सिट कंफर्टेबली ऑन द चेयर आपने जो अपने जिसका टेस्ट लेना है उसको अपने सामने द टेबल बिठा देना है और उसको कहना है जी बैठ जाइए तशीर रखे आराम से और फिर उसको एक्सप्लेन द फुल प्रोसीजर टू द सब्जेक्ट उसको बता दें जी को, कोई कोई ज़्यादा डरने वाली बात कोई नहीं है ये और ये जो है हेडफोन्स हैं हेडफ़ोन्स को आप अपने जो है ना लगा दें और रेड राइट साइड पे होना चाहिए दो हेडफोन के दो हिस्से हैं एक कान के एक एक कान के ऊपर एक दूसरे कान के ऊपर लेकिन एक रेड रंग का होता है उसका शरा और दूसरे का जो होता है वो ब्लू का होता है और ये राइट वाला जो है इसके ऊपर रेड लगाते हैं लेफ्ट वाले के ऊपर ब्लू लगाते हैं ये लगा दिया जी हमने और उसके बाद हेडफोन लगाने के बाद आज द सब्जेक्ट टू रेज हिज लेफ्ट और राइट हैंड वन एवर ही और शी लिसन्स टू द साउंड उसको बस इतना करना है कि आपका काम सिर्फ ये है कि जब आपके कान में आवाज जाए तो आपने अपना जो है जिस कान में आवाज जाए वो वाला हाथ आपने खड़ा कर देना है रेज इज लेफ्ट और राइट हैंड वैन एवर रियर शी लिशन टू द साउंड फिर क्या है जी फिक्स द फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीज द लाउड अब आपका काम शुरू होगा जो आप पैमाइश करने वाले हैं आपने इसको नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाना है आपने उसको लोएस्ट फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो दिग् आप आगे आएगी आप देख लीजिएगा कहाँ से हम शुरू करते हैं और फिर वहाँ से आप लोएस्ट फ्रिक्वेंसी के ऊपर ला के नाप फिर लोएस्ट के ऊपर लाउडनेस वाली नाप भी ला के और फिर उसके बाद आपने व्हेन द सब्जेक्ट लाउडनेस को आसता आसा इंक्रीज़ करना शुरू करना है वेन सब्जेक्ट रेज हिज हार हैंड नोट दैट लाउडनेस जिस लाउडनेस के लेवल के ऊपर वो जो आपका जिसका टेस्ट किया जा रहा है वो हाथ खड़ा करता है या करती है तो आपने उसके ऊपर निशान लगा देना निशानों की भी पहचान है कि किस किस्म का निशान लगेगा वो आगे आके निशानों की लेजेंड भी आपको देने हम जा रहे हैं अगला स्टेप ये है नाउ डिक्रीज द लाउडनेस बाय जब उसको हाथ खड़ा कर दे तो फिर कंफर्मेशन के लिए उसकी जहां जहाँ तक से सिक्सटी के ऊपर जाकर उसने हाथ खड़ा किया तो आप रिड्यूस उसको पाँच डीबी करके फिफ्टी पाइव फाइव के ऊपर वॉल्यूम लेके आए और फिर वॉल्यूम को इंक्रीज करें फिर अगर सिक्सटी पे हाथ खड़ा करता है तो उसका मतलब है ये कन्फर्मड है यही इसका थ्रेश होल्ड है फिर ब्रिंग द लाउडनेस नाउ बैक टू जीरो और जीरो के ऊपर लेके आए और फिर क्या करें अब फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ा दें पहले आपने पहली वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने वो उसका वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते चेक किया था अब दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर ले आए फिर ज़ीरो से जो है ना लाउडनेस को बढ़ाना शुरू करें जिस जगह के ऊपर जाके वो फिर हाथ खड़ा करें उसके ऊपर आप निशान लगा दें साथ फिर कन्फर्म भी कर लें उसको। उसके उसके ऊपर यूं आप ये करते चले जाएंगी जब तक कि आपका वो जो ग्राफ के ऊपर डाटा दिया हुआ है वो आपका कंप्लीट हो जाए आ, ये आपको ग्राफ अब आप दिखाने जा, जा रहे हैं हम सब सबसे पहले तो आप नि निशान कैसे लगाने हैं आप देखें राइ, राइट राइट ईयर का और लेफ्ट ईयर का दोनों का हमने अलग-अलग जो है मेजरमेंट करना है जैसे नज़र की आपकी एक आँख की नज़र जो है ज़रूरी नहीं है दोनों आँखों की नज़र आपकी बराबर की कमज़ोर हो इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है दोनों कानों की डेफनेस का जो लेवल है हीरिंग का जो लेवल है वो बराबर हो So, एक कान जैसे आई स्पेशलिस्ट एक आंख को चेक करता है फिर दूसरे आंख को चेक करता है इसी तरीके से आ, कानों वाले भी जो है, वो आपको एक कान चेक करेंगे फिर दूसरा कान चेक करेंगे हमारा पक्का सिक्का बांध जैसे कि आपने वो ईयरफोन भी लगाते हुए नोट किया था कि हमने कहा था कि उसको जी उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि रेड रंग वाला जो है हेडफोन आपका राइट साइड पे, राइट साइड के ऊपर ये राइट और ब्लू वाला लेफ्ट साइड पे इसी तरीके से आपने ग्राफ जब प्यार करना है तो आपने दो अपने कलर के पेन या पेंसिलें इस्तेमाल करनी है रेड की और ब्लू की इसमें ये स्टैंडर्डाइज यूनिवर्सल जो है लेजेंड है और उसके बाद ये है कि अगर आप एयर कंडक्शन के जरिए कर रहे हैं एयर कंडक्शन के जरिए कर, एयर कंडक्शन कंडक्शन और बोन में थोड़ा सा फर्क वाजह कर एयर कंडक्शन में आप जो कान की जो आउटर मिडल ईयर इनके थ्रू टोन को पास करते हैं जबकि बोन कंडक्शन में आप कान के ऊपर हड्डी के ऊपर वो लगाते हैं और बाईपास करते हुए उसको आउटर को और मिडल को सिग्नल अंदर तक पहुंचाते हैं उसकी वजह हम डिस्कस करेंगे क्यों करते हैं और ये दोनों एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन मास्किंग के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट मास्किंग भी कर सकते हैं मास्किंग का मतलब ये है जैसे कि आंख का टेस्ट करते वक्त एक आंख के ऊपर वो ब्लैक से लगा देते हैं शीशा ताकि दोनों आँखों की मदद से आप न पड़े इसी तरीके से इसके आ, सही अगर आपने चेक करना है तो फिर आपको एक कान की मास्किंग करनी होती है उसका बड़ा प्रोसेस है वो इस मौके के ऊपर हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते सो so, हमने राइट के लिए एयर कंडक्शन के लिए ये दायरा लगाया और अगर मास्किंग कर रहे हैं तो ट्रायंगल लगाया अगर बोन कंडक्शन कर रहे हैं तो ये लगाया और अगर मास्किंग के साथ कर रहे हैं तो ये लगाया ठीक है और इसी तरह लेफ्ट ईयर में सेम है लेकिन उनका कलर डिफरेंट है अब नॉर्मल ये आप, आप देखिए जी ऑडियोग्राम की शक्ल क्या बन रही है पिछली वीडियो में भी हमने आपको एक ऑडियोग्राम दिखाया था और बताया था कि ये ऑडियोग्राम में ये एक्स एक्सेस है ये एक्स-एक्सेस ऊपर भी हो सकता है एक्स एक्सेस यहाँ भी आप बना सकते हैं ये हॉरिजेंटल जो है इस एक्सेस ऊपर भी हो सकता है नीचे भी मार्किंग कर सकते हैं आप ये 125 से शुरू हुआ और फिर ये डबल कर, डबल करके जंप करता गया डबल डबल करके जंप करता गया 250, सौ पचास पाँच सौ हज़ार दो हज़ार ये दरमियान में इसमें तो डार्ट लाइन भी वक्फा किया है लेकिन जो है ना इसको आप डबल डबल करके आगे करते चले जाते हैं फिर माइनस टेन से ये डेसिबल से शुरू हुआ ये फ्रीक्वेंसी है सॉरी करेक्शन ये लाउडनेस है और ये फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी हर्ड्स में मापी जा रही है जैसे हमने पहली स्लाइड्स में आपको बताया और ये जो है हम डेसिबल में माप रहे हैं जिसको ब्रीफ करके डीबी लिख रहे हैं ये डीबी सो जैसे कि हमने प्रोसीजर में बताया एक कान का, का यहां पे आपने नोट किया ये ब्लू में किया गया सो ब्लू में अगर ये मार्किंग हुई है तो ये कौन सा कान होगा बगैर पूछे दिखे अगर कहीं नहीं भी लिखा हुआ तो आप पहचान सकते हैं कि ये वाल ये लेफ्ट ईयर की है जी ये ऑडियोग्राम ठीक है ऐसे ही है ना वापस ले जाए आपको ये लेफ्ट यह ब्लू की राइट है लेफ्ट की है ठीक है सो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि यह ऑडियोग्राम हालांकि लिखा जाना चाहिए था तो नहीं लिखा इसने ऑडियोग्राम ये किस कान का है तो हमने देख लिया कि यह लेफ्ट कान का है जी हमने इसको डिकोडिंग कर ली देखते ही हमने नजर ही एक नजर पड़ी तो हमने देखा ये नीले रंग के है, इसे मार्किंग हुई है तो ये लेफ्ट वाले खान है, और दूसरी बात दूसरी बात हमने ये नोट की कि ये ये ट्वेंटी से ऊपर ऊपर सारी पूरी लाइन जा रही है ट्वेंटी से ऊपर ऊपर जा रही है सो so, अगर आप याद करें हमारी लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 20 से अगर डेसिबल कम होगा किसी का तो वो नॉर्मल आदमी होगा नॉर्मल हियरिंग वाला होगा और अगर फिर अगर वही अगर वो वीडियो अगर आप याद हो तो 20 से 40 माइल्ड 40 से 70 हमने कहा था मॉडरेट 70 से 90 हमने कहा था सर और 90 से अबाव प्रोफाउंड हमने कहा था अगर आपको याद हो और हम शेडेड शेड भी किया हुआ था ये पिछली वाले जो है वीडियो के मैं बात कर रहा हूँ तो ये ऑडियोग्राम अगर ये बना, किसी ने बनाया हुआ है आप टीचर हैं आपके पास आया है ऑडियोग्राम बच्चा लेके तो आपको पढ़ना और डी करना आना चाहिए पूछने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए कि अच्छा ये ये वाला है, तो ये तो आपका नॉर्मल बच्चा है जी ऑडियोग्राम तो नॉर्मल बच्चा बता रहे आपका ठीक हो गया ये आप देखेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस ये कंडक्टे बीन लास् अगर ये ना लिखा हुआ तो होता तो इम्तिहान हम ले लेते कि किसका है ये आप देख रहे हैं पहली बात ये नीचे लिखा हुआ भी है ये क्योंकि ब्लू में ये सारी इसमें प्लॉटिंग हुई है तो हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट ईयर का है और यहाँ भी लिखा हुआ भी ये एयर कंडक्शन से किया गया ये वाला इसमें क्रॉसिंग लगी हुई है ना एयर कंडक्शन किया है इससे किया और ये ऊपर वाला जो है ये बोन कंडक्शन से किया गया ये भी लेफ्ट का है अब मजे की बात है, अब कैसे पता चला कि ये कंडक्टिव ईयरिंग लॉस है कंडक्टिंग ईयर लॉस हमें ऐसे पता चला कि जब हमने इसको एयर कंडक्शन से किया तो ये हमें लगा कि ये तो हियरिंग uh, इम्पेयर्ड uh, है और जब हमने उसके बाईपास किया एक्सटर्नल और मिडल ईयर करके और बोन के जरिए से हमने सिग्नल कोकलिया में डायरेक्ट पहुंचाया तो वो नॉर्मल सुन रहा था नॉर्मल उसके सुन रहा था ये उसकी प्लाटिंग है सो अगर आप आ, आ, हमने थेरी में पढ़ा था पहली वीडियो में कि अगर हम आउटर और आ, आ, इन, आ, इसको, मिडल को बाइप में खराबी हो आउटर और मिडल में खराबी हो तो उस किस्म के हीरिंग लॉस को हम कंडक्ट कंडक्टिव हीरिंग लॉस कहते हैं सो ये कंडक्टिव हीरिंग लॉस की एक ऑडियोग्राम है जी वही एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आपको मैंने पिछली दफा बताया था कि पिछली ऑडियो में ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये ऊपर मार्क की हुई थी दिखा दू दो दोबारा ये ये ऊपर मार्क की हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता जी इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है जी ऊपर भी कर सकते हैं आप नीचे भी मार्क कर सकते हैं ठीक है और ये आ गई जी अब आपकी आप जो है ना सेंसरी न्यूरल ईयरिंग लॉस की एक मिसाल क्या आप बता सकते हैं ये कौन से ईयर है बगैर बगैर नीचे देखें रेड से मार्किंग हुई नजर आ रही है जी सीधे सीधे तो राइट ईयर की ये जो है ना ऑडियोग्राम है और इसमें जो है ना बोन कंडक्शन के साथ भी आपको दिखाया गया है और एयर कंडक्शन के साथ भी आपको मेजरमेंट दिखाई गई है सो so, ये आप आ, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जनाब आ, जो आ, ये आप आ, नोट कर रहे हैं आप यहाँ तक इसकी जो है ना 2000 की फ्रिक्वेंसी तक ये तकरीबन नॉर्मल है इसकी इसके बाद ये शार्प फॉल आ रही है सो इट इज़ सेंसरी न्यूरल लॉस ये मिक्स हीर एंड लॉस है जी कौन सा ये हीर है जी जट से बोल रहे जी ये हीर ये है जी ब्लू वाला रंग से मार्क हुआ हुआ है सो ये लेफ्ट ईयर है जी इसमें भी आपने एयर कंडक्शन के साथ मार्किंग देखी और बोन कंडक्शन के साथ मार्किंग देखी ये मिक्स टीरिंग लॉस बता रहे जी इसके साथ हम आज वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं इसी से मुतल हम बात को आगे जारी रखेंगे हयरिंग इम्पेयर की जो सीरीज़ है जो चल रही है इसको हम जारी रखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ स्टे ब्लेस्ड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ बी जनरस टू क्लिक ऑन लाइक शेयर इट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पीपल एंड If you are new on this channel, please do not forget to subscribe, click on subscribe, and press the icon so that you can receive notifications of the coming videos. Thank you.